नमस्कार, नव वर्ष 2018 और विक्रम संवत 2075 आप सभी के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी हो, यही मेरी प्रभु से विनती है। शुरुआत करते हैं, नव वर्ष कैसा रहेगा। विक्रम संवत 2075 का शुभ आरंभ 18 मार्च दिन रविवार 2018 को हो रहा है। वर्ष के राजा सूर्य हैं और वर्ष के मंत्री शनि हैं। आजाद भारत की कुंडली के अनुसार वर्ष प्रवेश 1 जनवरी 2018 को देश चंद्र की महादशा में राहु का अंतर और केतु के प्रत्यंतर से शुरुआत हो रहा है। ग्रह गोचर की गणना के अनुसार वर्ष का आरंभ कुछ खास अच्छी ग्रह दशा परिस्थितियों में नहीं हो रहा है। विघटनकारी ताकतें बलवान हो रखी हैं। राजनीतिक षड्यंत्र, पॉलिटिकल पार्टीज का परस्पर टकराव, मतभेद, विचारधाराओं का मतभेद, पड़ोसी देशों के साथ तनाव, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान के साथ, जैसा कि वर्षों से चला आ रहा है। अगस्त का महीना कुछ खास तनावपूर्ण रहेगा। संवत का राजा सूर्य ग्रह काउंसिल में राजा जी स्वभाव से करूर रहें और अग्नि तत्व प्रधान हैं, इसलिए गर्मी की अधिकता रहेगी। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होने के चलते राशि और तामसी प्रवृत्तियों की वृद्धि दिखेगी। वर्ष का मंत्री शनि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में टकराव पैदा करेगा। भय, आक्रोश, दुविधा की स्थिति बनी रहेगी। देश में कुछ सांप्रदायिक हिंसा, उपद्रव, अग्निकांडों में वृद्धि, ये सब देखने को मिलेगा। विपक्ष तथा विपक्ष के सहयोगी दल सत्तारूढ़ सरकार को नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहेंगे और वर्तमान सरकार के लिए समय काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वृश्चिक राशि के हैं, इनकी कुंडली को अगर अध्ययन किया जाए तो उसमें चंद्र में बुध की अंतर चल रही होगी, जो कि मोदी जी की चिंताएं बढ़ाएगी। सहयोगी दलों से सहयोग मिलेगा और अल्टीमेटली अपने उद्देश्यों में वो कामयाब होंगे, किंतु समय बहुत चैलेंजिंग है, आसान नहीं है, बहुत कठिन है रहा पनघट की। अगस्त के बाद कुछ राजनीतिक पटल पर किसी महिला का देश में उदय होगा। इस वर्ष जेठ अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, 16 मई से 13 जून अधिक मास है, इसलिए जेठ का महीना होने के चलते गर्मी बढ़ जाएगी। उत्तर भारत में वर्षा भी विलंब से आएगी। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मेघेश शुक्र और रसेश बुध होने के चलते बाद में वर्षा मेकअप कर देगी और कृषि क्षेत्र में उत्पादन अच्छा रहेगा। विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, इनकी जन्म कुंडली पर अगर नजर मारें तो हम देखते हैं कि ये मंगल की महादशा इन पर शुरू हो चुकी है। वृषभ लग्न के राहुल जी के लिए मंगल एक मार्ग ग्रह है और द्वितीय स्थान में बैठा है। सहयोगी दलों से तालमेल में कमी, बातचीत वार्तालाप से आपसी संबंधों में तनाव खराबी के संकेत दे रहा है। बात बोली में उग्र हो जाएंगे और अपना नुकसान करा बैठेंगे। कुछ विशेष लाभ की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। राहुल जी पे 2024 से राहु की महादशा शुरू होगी, उससे पहले उनका कोई खास पॉलिटिकल लाभ की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। फिर हम देखते हैं कि वर्ष 2018 में दो आंशिक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है। दोनों सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ एक चंद्र ग्रहण 27 जुलाई की रात्रि को
उदय होके 28 तक चलेगा, 28 की सुबह तक चलेगा, यही भारत में दिखाई दे रहा है। यह ग्रहण उत्तराषाढ़ नक्षत्र से चलते हुए मकर राशि में श्रवण नक्षत्र तक चलेगा, इसलिए मकर राशि वालों के लिए यह विशेष कष्टकारी है। मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर, कुंभ, इनको ग्रहण का निष्फल प्राप्त होगा। मिथुन, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वाले, इनको ग्रहण की शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। काल चक्र में हर कोई अपने कर्म अनुसार अपने फलों की प्राप्ति करता है। चल रही दशाएं और अंतर दशाएं के अनुरूप ही फलाफल की प्राप्ति होती है। ग्रह गोचर का शुभ अशुभ फलादेश संकेत मात्र है। योग कारक दशाएं चल रही हो और ग्रह गोचर में भी शुभ ग्रहों की योग कारक दशाएं चल रही हो, गोचर में भी शुभ ग्रहों का फलादेश हो तो उत्तम फलों की वृद्धि होती है। इसी क्रम में अनिष्ट ग्रहों की दशाएं मां दशाएं चल रही हो और गोचर का फल भी अशुभ हो तो अनिष्ट फलों की वृद्धि होती है। इसको हम वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं कि दशाएं मां दशाएं शुभ चल रही हो और ग्रह गोचर इतना शुभ ना हो तो मिक्स रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ही दोनों स्थितियों में बनता है। तो मेरी प्रभु से मंगल कामना है। तो आप सभी के लिए नव वर्ष ढेर सारी खुशियां लाए, तरक्की दे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। अब चर्चा करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि रॉयल साइन, स्वामी सूर्य वर्षारंभ में पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत उत्तम स्थिति में शुरुआत हो रही है। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उठ चुके हैं। राजसी मान सम्मान की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की, आय में वृद्धि। पंचम शनि थोड़ा जीवन साथी से मतभेद जरूर बता रहा है, पर परिस्थितियां फिर भी कमी बेश मिला के काबू में आ जाएंगी। बृहस्पति की दृष्टि अक्टूबर तक सप्तम भाव पे है, आय भाव पे है, बहुत धन आगमन होगा। अपने पुरुषार्थ पुरुषोत्तम से आप खूब धन कमाएंगे, यश प्राप्त करेंगे, मतभेदों को सुलझाने में भी कामयाब होंगे। किंतु 12वें भाव में बैठा हुआ राहु बिना वजह के लांछन और व्यर्थ की यात्राएं, फालतू खर्च, इन सब चीजों से आपको पूरा साल परेशान रखेगा। छठे भाव में केतु दुश्मनों का शमन कर रहे हैं, कुछ नाना पक्ष में अशुभ समाचार मिलने का आशंका है। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे। नीच का घर है सूर्य के लिए, तो इतने अच्छे फलों की प्राप्ति पूरे साल में यहां नहीं प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए और एक माणिक धारण करें, अनिष्ट फलों में कमी आएगी। थोड़ा आलस्य का त्याग करें, अपने वजन के बराबर अनाज या गेहूं कहीं धर्म स्थान में दान देके आए, बहुत ही उत्तम रहेगा। सिंह राशि वालों को मैं 100 में से 70 अंक देता हूं। मिला जुला के सिंह राशि वाले लाभ की स्थिति में है।